डल लेक। कश्मीर की विश्वविख्यात प्राकृतिक सौंदर्य का एक जाना माना चिन्ह, एक बड़े आईने जैसी इस झील और उस पे तैरते शिकारों का दृश्य लोग एक ही झलक में पहचान लेते। यहाँ के खुशमिजाज लोगों की खुली हंसी में एक दिल को छू लेने वाली शांति का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि दुनिया एक बड़ा कैनवस है और हमारे अंदर के चित्रकार को पूरी छूट है कि हम जिन रंगों से चाहे इस जिंदगी को सवार लें। अगर पृथ्वी पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, सिर्फ यही। मुगलों को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने कश्मीर को अपने साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बना लिया और तब से कहीं ना कहीं हम कश्मीर के इतिहास को सिर्फ मुगलों के इतिहास से जोड़ते चले आए। लेकिन आप जानते हैं, मुगलों के यहाँ आने के कई सौ साल पहले भी कश्मीर एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। उत्तर में तिब्बत से लेकर दक्षिण में द्वारका था और पश्चिम में ईरान से लेकर पूरब में उड़ीसा तक फैला हुआ। इस कश्मीर की एक आखिरी निशानी अब भी बची है। आज मैं आपको उसी प्रबल कश्मीर में ले जा रहा हूं, जम्मू और कश्मीर राज्य के समर कैपिटल श्रीनगर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर मारतांड का सूर्य मंदिर। भारत में तीन मुख्य सूर्य मंदिर हैं, एक मोटेरा गुजरात में, एक कोणार्क उड़ीसा में और तीसरा ये मारतांड कश्मीर में। इन तीनों में मारतांड सबसे पुराना सूर्य मंदिर है और इसे देखकर लगता है कि सबसे बड़ा भी। शुमाली हिंदुस्तान का ज्योग्राफिक कंटेक्स्ट है, उसमें मारतांड सबसे बड़ा सन टेंपल है। और ये सन टेंपल दो तीन वजूहात से सबसे बड़ा है। एक तो डायमेंशन और साइज के हिसाब से बहुत बड़ा है, एक इसकी जो आर्किटेक्चरल बनावटी खसूसियत है उसकी वजह से सबसे बड़ा है। दूसरा जो रिलीजियस काव थीम्स हैं वो थीम्स भी इतने सिग्निफिकेंट हैं कि आपको हम सब कॉन्टिनेंट के इस हिस्से में इस डायमेंशन का मंदिर नहीं मिलता। इस मंदिर के जो शमाइल हैं और जो अशकाल हैं और जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं स्टोन्स के, वो बता रहे हैं कि उस वक्त के इंजीनियरों ने ये क्या एक शाहकार बनाया था जिसको दुनिया भर में आज भी एक पजीराई मिलती है। कश्मीर की वादियों में कई सारे प्लेटो जैसे हाइलैंड्स, इन्हें यहाँ की भाषा में क्रेवा कहा जाता है। मारतांड ऐसे ही एक क्रेवा पे बनाया गया है। मारतांड का जो मंदिर है ये न सिर्फ हमारा एक कौमी असासा है बल्कि ये दुनिया भर में एक ऐसा वाहिद तर्ज तामीर है जो एक गांधारा आर्ट और यूनानी तर्ज तामीर का एक मुजस्मा है जो आज तक आपको क्रेवा के ऊपर एक शक्ल में मिलता है। जैसा कि हर पुरानी इमारत के साथ होता है, ये मंदिर भी कब बना था, किसने बनाया था, इसके पीछे कहानियाँ हैं। क्योंकि ये मंदिर इतना प्राचीन है, यहाँ के लोग मानते हैं कि ये बना था पौराणिक समय। यहाँ पर जो ये सूर्य मंदिर है, लोगों का कहना है सूर्य मंदिर के बारे में, ये पांडवों का घर है, पांडवों ने ये बनवाया था, पांडवों का महल है। लोगों का कहना है ये पत्थर भीम ने उठाए होंगे और ऐसे बड़े भारी पत्थर उन्होंने लाए होंगे, तो ऐसे ये मंदिर, विशाल मंदिर उन्होंने बनवाया है। पांडव थे या नहीं थे, वे कभी कश्मीर आए या नहीं आए, ये तो विश्वास की बात है। लेकिन इतिहासकारों के पास कुछ कड़ियां हैं जिन्हें जोड़कर वे इस मंदिर के बनने का रहस्य सुलझाते हैं। मारतांड का मंदिर सूर्य भगवान के लिए स्थापित किया गया है। एक श्रद्धांजलि थी किंग ललितादित्य की सूर्य भगवान की तरफ, क्योंकि वो सूर्य भगवान को मानते थे।
ये मंदिर इस साइज का मंदिर उस नाम का लालितादित्य मुक्तापिड के वक्त में बना है, जो कश्मीर का एक बहुत बड़ा राजा गुजरा हुआ है, 8th सेंचुरी में वो राज कर रहा था। उनके फन तामीर में जो सबसे अहम आप सर्वाइविंग एग्जाम्पल देखते हैं वो मार्तंड का सन टेम्पल है। ये जिन तरह के पत्थरों से मंदिर बनाया गया है वो यहीं कहीं आसपास से लाए गए हों ऐसा तो नहीं लगता। फिर इतने बड़े बड़े पत्थरों को कहीं दूर से लोग कैसे लाए होंगे? और फिर इतनी ऊंचाई पर कैसे लगाया हो? जहां तक मार्तंड मंदिर के बड़े बड़े पत्थरों का सवाल है, इन पत्थरों को जहां तक यहां की तारीख बोलती है कि जो भी ऐसे मंदिर तामीर किए गए उनके नज़दीक कोई ना कोई नदी गुजरी थी या कोई उसकी ट्रिब्यूटरी गुजरती थी। तो ये जो पत्थर लाते थे इसके लिए एक अलग कबीला था जो ये पत्थर लाकर मंदिर के सामने खड़ा करते थे। फिर इस पर जो कार्विंग होती थी या इस पर जो एम्बॉस्ड स्ट्रक्चर्स बनते थे उनके लिए अलग एक टीम थी। ये मंदिर का गर्भगृह है, सूर्यदेव की मूर्ति यहीं रखी गई होगी। लोग बताते हैं कि यहाँ ऊपर को एक ऐसा यंत्र बना हुआ था जिससे पूरे दिन सूर्य की रोशनी मूर्ति पर आती थी। पूरे दीवार में 84 छोटे छोटे वो टेम्पल बने हुए, सुबह सूरज चढ़ने से सूरज डूबने तक हर एक टेम्पल में कमरे में जो रूम बने हुए छोटे छोटे स्मॉल टेम्पल, हर एक रूम में धूप आती थी शाम तक। कोई ऐसा टेम्पल नहीं रहता था जिसमें धूप शाम तक ना आती। मंदिर की सभी दीवारों में तराश कर चित्र बनाए गए, जैसे कि ये अलग अलग देवी देवताओं के चित्र है और मंदिर के आजू बाजू पूरे 365 ऐसे चित्र बनाए, साल के हर दिन के लिए एक। ये अवतारों की कार्विंग्स हैं, मैथोलॉजिकल कार्विंग्स बहुत हैं। तो ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल ही नहीं है, ये फन तामीर उस वक्त के कश्मीर के फन तामीर का सबसे अहम सतून है, वो सबसे अहम एग्जाम्पल है। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।